अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला चिकन पुलाव, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। जिसके लिए हमने लिए है 3 चम्मच तेल, 3 बे लीफ, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 लौंग, 4-5 काली मिरी और 2 प्याज अच्छे से कटी हुई। प्याज सुनहरी हो जाए तो आधा किलो चिकन अच्छे से वॉश किया हुआ चिकन को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब चिकन पे ब्राउनिश कलर आ जाए तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें और अच्छे से भून लेंगे। 5-6 हरी मिर्च कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार मिक्स करें, अच्छे से भूनें। 2 बड़े टमाटर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करें और सारे मसालों को अच्छे से भून लें। फिर 4 चम्मच दही डाल के उसे भी अच्छे से भून लें। 15 मिनट बाद देखिए सारे मसाले अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी लिए हैं, 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी कोथमीर बारीक काट ली है, 5 मिनट अच्छे से पकने दे, फिर चावल ऐड करें। चावल मैंने आधे घंटे भिगो के रखे थे, चावल का पानी सूख जाए तो कलर ऐड करें। गार्निश करने के लिए तली हुई प्याज, कोथमीर पुदीना कटी हुई और 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि रेसिपी आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।